अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबनम किचन रूटीन पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ये बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आलू की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप अगर बना कर खाएँगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 से 7 आलू, जिसे मैंने छीलकर अच्छे से धो ली है। ये मीडियम साइज़ के आलू है, तो इसे चलिए अब कट लगाते हैं। इसे 2 टुकड़े में हमें कट करनी है, बस इसे इस तरह काट ले सारे आलू को। इसे मैंने धोकर साफ कर लिया, तो इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, तब इसे साइड करते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 100 ग्राम दही। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर यानी गोलकी पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सब मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब इसे साइड पे रखते हैं। अब मैं यहाँ कढ़ाई ले रही हूँ, मैं इसमें ऐड की हूँ 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 छोटा चम्मच घी। घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने आलू कट की थी वो, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आलू को इस तरह फ्राई करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसे हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्का फ्राई करनी है मीडियम आंच पे ही। तो 5 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी तेल में ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग। इसे थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच क्रश की हुई अदरक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे भी कुछ सेकंड के लिए सोटे कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने फाइनली चॉप की हुई है। इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का गुलाबी होने तक इसे फ्राई करेंगे। देखिए ये हल्का हल्का गुलाबी हो गई है। तो अब इस पॉइंट पे हमने जो मसाले दही में मिक्स किए थे वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। तो मैं यहाँ ऐड की हूँ दही में जो हमने मसाले मिक्स किए थे वो। अब इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि दही फटे ना। अगर फट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेट हो जाएगी। इसमें जो बचे हुए मसाले हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह मैं ले रही हूँ। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को इसी तरह भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। और ढककर 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे इन मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे। तीन मिनट हो गई है, चलिए मसाले चेक करते हैं। तो मसाले बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे ऐड करेंगे जो हमने आलू फ्राई किए थे वो। और इसे मिक्स करेंगे और इसमें करीब 3/4 कप पानी ऐड करेंगे।
और इसे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे कवर करके। एक उबाल आने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। देखिए एक उबाल आ गई है, तो अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो आपसे मैं 10 मिनट के बाद फिर मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ 10 मिनट हो चुकी है, इसे चलिए एक बार चला लेते हैं। देखिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल इसी तरह रखनी है हमें। तो इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इन सब को मिक्स कर लेंगे आलू के साथ और 1 मिनट के लिए और कवर करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो 1 मिनट हो गई है, अब गैस फ्लेम को ऑफ करते हैं और चलिए मैं इसे आपको चेक करके बताती हूँ आलू कितनी अच्छे से गल गई है। देखिए आलू बहुत अच्छे से गल गई है, इसे पकाने में मुझे करीब 12 मिनट लगे हैं। और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे पूरी, नान, रोटी, राइस, जीरा राइस आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट के जैसा फ्लेवर आएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे जल्द ही मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।